वेलकम गाइस, एस एस सी आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एस्टेट के ऑब्जेक्शन फॉर्म के बारे में। एस्टेट का जो आंसर की कल रिलीज हो गया है उसके ऑब्जेक्शन फॉर्म को कैसे भरना है, मतलब आपका कोई अगर क्वेश्चन गलत है या आयोग ने आंसर की गलत दी हुई है और क्वेश्चन गलत है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको ऑब्जेक्शन है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके अपनी ऑब्जेक्शन को करेक्शन करा सकते हैं। तो ये सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, किस तरह से ऑब्जेक्शन फॉर्म भरेंगे, कहां पर मिलेगा, क्या चार्ज हैं और सारा कुछ, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपने मोबाइल का ओपन हुआ, यहाँ पर देखें जो पहला साइट है, ये जो पहली साइट आपको दिख रही है इस पर ही क्लिक कर दें, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस इंटर वेबसाइट पर क्लिक करना है। इंटर वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको डाउन स्क्रॉल करके जाना है, यहाँ पर आपको देखना है ये जो पहला नोटिफिकेशन दे रहा है एसटेट 2020 रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन ऑफ आंसर्स की, इस पर क्लिक करना है। देखिए मैंने क्लिक कर दिया, अब जैसे ही क्लिक किया तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल गया है, ठीक है। अब इसमें जो भी डिटेल है वो सारी हम पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है हेल्पलाइन ईमेल आईडी विल बी एक्टिव टिल द लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन 8 जनवरी टिल 5 PM। ये ईमेल आईडी है, हेल्पलाइन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर मेल करें। और देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये लिखा हुआ है कि फीस अप टू 2000 पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे आपको 200 रुपये देने होंगे, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन का जो दावा है कि मेरा क्वेश्चन सही है आपका आंसर की गलत है, तो आपको 200 रुपये वापस भी मिल जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपका 200 रुपया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म है आपके सामने खुला हुआ है, ऑनलाइन ही फिलअप करना है। यहाँ पे सारी डिटेल दी गई हैं, यहाँ पे देखिए नेम भरना है, मोबाइल नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी डालना, सिटी डालना, पिन कोड डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ बैंक नेम डालना है, ठीक है। यहाँ पर बैंक नेम डालें, अकाउंट होल्डर डालें, अकाउंट नंबर डालें, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड, कन्फर्म अकाउंट और रोल नंबर डालें, फादर नेम डालें और यहाँ पर एग्ज़ाम कौन सा लेवल था एग्ज़ाम वो आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर ट्रेवल 1, 2, 3 जो भी रहेगा वो सिलेक्ट कर देंगे, ठीक। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन सेट को सिलेक्ट करेंगे, कौन सा क्वेश्चन सेट था, जैसे यहाँ पर 4 सेट थे ना ABCD, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाएगा ABCD, इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर वो डाल देंगे। और यहाँ पर जो कंप्लेन है वो चीज़ आप बिल्कुल ब्रीफ में अच्छे से लिख के यहाँ पर जरूर ऐड करें। जैसे आपका कोई भी आंसर है, जैसे मान लीजिए किसी का आंसर डी है, ठीक, ऑप्शन डी सही है और आयोग ने जो बोर्ड ने है उसने बी ऑप्शन करेक्ट कर रखा है, तो वो आप यहाँ पर लिखें कि आप मेरा आंसर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, और थोड़ा सा उसका व्याख्या भी लिख दें, एक्सप्लेनेशन लिखें, ठीक है। और यहाँ पर उससे रिलेटेड जो आर्टिकल वगैरह हैं यहाँ पर चूज फाइल में भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पर डालें उसके रेफरेंस में कुछ आंसर जो है डिटेल वो डालें, जिससे एक इफेक्ट पड़े कि हाँ हमारा आंसर सही है, ठीक है। ये चीज़ें कर लें, उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने सारा डिटेल डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर ऐड, फिर ऐड क्वेश्चन कर दें आप। ऐड क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका ऐड हो जाएगा और वो चीज़ यहाँ पर आपको लिस्ट में दिखाई देने लगेगी, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। उसके बाद फिर आप दूसरा क्वेश्चन ऐड करें, उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते जाएं और जितने क्वेश्चन ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जो भी पेपर आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर आप वहाँ पर सारे क्वेश्चन नंबरों का लिस्ट आ जाएगा, ऐड करते जाएँ, ठीक है। यहाँ पर फिर आप सबमिट करें, पेमेंट करें और फाइनल सबमिशन कर दें, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम क्वेश्चन लेवल जो है, मान लीजिए मैंने एक सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन सेट ए ले लिया और यहाँ पे
सेलेक्ट करते जाएं, ठीक है, अलग अलग अब आपको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके ऐड करके पेमेंट कर देना है और सबमिट कर देना है फाइनल। तो ये सारा डिटेल था इस भर्ती के बारे में, इस ऑब्जेक्शन के बारे में, एस्टेट के ऑब्जेक्शन के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम और आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफर्म करना है कि इसका यही होगा क्या, तो आपको क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन का थोड़ा सा एक दो लाइन लिख के मेरे को कमेंट करके पूछें, मैं आपको आंसर उसका करेक्ट बता दूंगा कि कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। इतनी हेल्प कर सकता हूँ मैं आपके ऑब्जेक्शन के लिए। तो आज की वीडियो में यही सब जानकारी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए। टेक केयर, बाय बाय।